हिंदुत्व की रक्षा के लिए अब धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का समय आ गया है। महाकाल जैसा रौद्र रूप धारण करने का समय आ गया है। सुख समृद्धि का दान देने वाली हमारी गौ माता को गोश्त मुगलई बना करके खाया जा रहा है और लव जिहाद के नाम पर राधा को रिहाना बनाया जा रहा है। हमारे प्राण प्रिय सनातन धर्म का अस्तित्व संकट में है। ये चुप रहने का समय नहीं अपितु प्रतिकार का समय है। सेक्युलरिज्म के नाम पर आंखें मूंदे रहने वाले हिंदू लिबरांडुओं, कवि दिनकर की वो पंक्तियां याद रखना, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। हे सिंह पुत्रो उठो, गर्जना करो, धनुष के टंकार से दहला दो हिंदुत्व को ललकारने वालों का सीना। कसम से बॉलीवुड चला गया ना तू, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। मैदान में होना था गेंद और बल्ले का टकराव, लेकिन हो गया मजहबी टकराव। वीडियो हुआ वायरल, हैला दंगा। बिहार के कई इलाकों को दंगाइयों ने किया आग के हवाले। आग है ये लगाई किसने मन में गदुला, नो 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 करके। ओ यार तेरे क्रिकेट मैच का क्या हुआ? यार ऑलमोस्ट जीत गए थे, मैंने 50 मारे थे, मैन ऑफ द मैच मैं ही होता, पर साला अपोजिट टीम ने फट्टा कर सारा मैच ही स्पॉइल कर दिया। ओए तू तो ऑलरेडी मैन ऑफ द हिंदुस्तान बन गया है। वो कैसे? ओ नाजिया सिद्दीकी को मिसेज प्रेमिल बना लिया तूने तो। देख बकवास मत क्या कर, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि मैं इन चीजों को। हाय, अरे बैठ ना। शादी का कार्ड, हमारी शादी का कार्ड पढ़ना। बकरतुंड महाकाय, बकरतुंड नहीं वक्रतुंड, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। तू ये टंग ट्विस्टर छोड़, कंटेंट पढ़ना। आयुष्मान प्रेमिल खन्ना, पिता श्री चेतन खन्ना, संग आयुष्मती नाज सिद्दीकी, पिता श्री रिजवान सिद्दीकी। हमारे आश्री नहीं जनाब लगाते हैं जी। ग्रेटेड कैरेक्टर। प्रेमिल जी, मैंने नाज की खुशी की खातिर अपनी कौम से नाराजगी लेकर तुम दोनों की शादी को मंजूरी दी है, सो प्लीज डोंट लेट मी डाउन। हाँ जी। फोन नहीं मिल रहा है मेरा, बजिए जरा। वो अंदर कमरे में चार्ज पर लगा है ना। प्रेमिल नाज, तुझे पता है ना कि शादी के बाद भी तू नाज से दिखी रहेगी। और तू प्रेमिल खन्ना, भाई की बात को दिल पे मत लगा। वैसे दिल से किसी की बात को मत लगा मेरे सिवा। Yours and only yours, आयुष्मती नाज सिद्दीकी। हंसना, हंस भी दे। मिलियन डॉलर स्माइल, सदके जावा तेरी स्माइल पे। तू ही है ना इस वीडियो में? भाई, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। Get out। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। Get out। भाई पर हुआ क्या? इसने और इसके लौंडों ने क्रिकेट के मैदान में तरनू मापा के सोएब को बहुत मारा। But more than that, these people told him Paki, go back Pakistan। No no no। What do you think? ये सब you can take a dig at my community, my religion, and I will take it lying down। अबे फोड़ डालूंगा तुझे भी, तेरे लोगों को भी। कोशिश करके देख ले, चूड़ियां ना पहन रखी है हमने। सत्य रहना मुश्किल कर देंगे। सब नहीं चाहिए। और सुन, इसने उसने जिसने भी तेरी आपा के लौंडे से जो भी कहा है ना, बस नहीं बोल। स्टॉप, तुम लोग खाते इधर की और गुनगाते उधर की, रिश्ता यहाँ बनाना चाहते हो और तुम्हारे नाम के आगे फीस जोड़ सकते हो, सुलग जाती है तुम लोगों की। चुप चाप निकल जा यहाँ से, वरना मुझे सब नहीं चाहिए। अरे घना बैकफुट पे खेल लिया तन्ने, प्लीज इस मन ने खड़ा फ्रंट फुट पे, इसकी जो जाट निकाल दो। चुप
परसों रात दिल्ली के मौसपुर इलाके में दो गुटों के बीच हुए दंगे में घायल हुए एक और शख्स की आज सुबह गंगाराम हॉस्पिटल में मौत हो गई है। अब तक इस दंगे में 7 लोगों की जान जा चुकी है। गौरतलब है कि गत सोमवार को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो के कारण दो गुटों के बीच दंगा छिड़ गया था। पूरी दिल्ली में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है, पर अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और अलग अलग इलाकों से तोड़फोड़ और आग जलने की चीज कर रही है। मित्रों, हर हर महादेव। हिंदुत्व की रक्षा के लिए अब धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का समय आ गया है। महाकाल जैसा रौद्र रूप धारण करने का समय आ गया है। सुख समृद्धि का दान देने वाली हमारी गौ माता को गोश्त मुगलई बना करके खाया जा रहा है और लव जिहाद के नाम पर राधा को रिहाना बनाया जा रहा है। हमारे प्राण प्रिय सनातन धर्म का अस्तित्व संकट में है। ये चुप रहने का समय नहीं अपितु प्रतिकार का समय है। सेक्युलरिज्म के नाम पर आंखें मूंदे रहने वाले हिंदू लिबरांडुओं, कवि दिनकर की वो पंक्तियां याद रखना, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। हे सिंह पुत्रो, उठो, गर्जना करो, धनुष के टंकार से दहला दो हिंदुत्व को ललकारने वालों का सीना। लो धनुष राम से और गदा हनुमान से, धर्म के शत्रु टलेंगे काली के कृपाण से। थाओ वीर मुष्टिका, करो दलन। अबे अबे यार, अरे सॉरी। हाँ, उठा रहा हूँ, मिल तो जाए। कहाँ है यार, यहीं तो रखा था। हेलो अजो, ये वाला शूटिंग रोक दे, पार्टी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अरे क्या मैडम, गेटअप सेटिंग तैयार करके सब शूट भी कर लिया था, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बार आना। घबरा मत रे, खाना पीना सब होगा, अपोजिट पार्टी का ऑर्डर है, सुर वही रखना है, आग लगाने वाला बस रीजन अपोजिट है। अच्छा, ये हॉकर से करवा रहा था क्या? हाँ मैडम, हॉकर से करवा रहा था। बहन चोद। हैं? क्या मैडम? नहीं नहीं, तेरे को नहीं बोल रही थी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। वो हॉकर बड़ा दमदार एक्टर है, वैसे ही कोई एक्टर पकड़ना आपने इस वीडियो के लिए। स्क्रिप्ट भेजती हूँ, फटाफट करके दियो। अब भी वायरल करने का है। अरे अभी खड़े पाँव कहाँ कोई अच्छा एक्टर मिलेगा मैडम। हेलो, सुन रही हूँ। तो ये पंगा है। एक काम करना, हॉकर से करवा ले। अरे हॉकर को मरोगे क्या मैडम? दोनों कौम वाले दो हिस्सों में चीर के अपने साथ ले जाएंगे उसे। अरे अपने गोरख धंधे का खुलासा हो जाएगा मैडम, जब पब्लिक एक ही लौंडे को हिंदू मुस्लिम दो रोल में देखेगी। हाय पर मत हो रे अज्जू। अरे मैडम आप भूल गए हो कि हॉकर अभी तक सिर्फ कट्टर हिंदू का ही रोल करता रहा है। हाय पर मत हो रे, बड़ी वाली सी नहीं हूं मैं कि ऐसा करके अपनी ही मरवाऊंगी। लाखों लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखते हैं, हॉकर का जो होगा सो होगा, वीडियो की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी। अरे धंधा चौपड़ जाएगा धंधा। फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं, अगर हॉकर को मुस्लिम बनाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। सुन बताती हूँ कैसे। ये जो सोशल मीडिया वाली पब्लिक होती है ना, अकल से थोड़ी पैदल होती है। इनकी आंखों पे ना सबके धर्म के मोटे मोटे चश्मे चढ़े होते हैं, इन्हें शक्ल नहीं, इन्हें तो बस हरा और भगवा रंग दिखता है। तू बस एक काम कर, तू ना हॉकर का बस अच्छा वाला मेकअप कर दे, फिर देखियो किसी का बाप भी नहीं पहचान पाएगा। वो हो जाएगा मैडम, अपने पास मौलाना वाला गेटअप भी पड़ा, लेकिन हिंदू बैकड्रॉप से मुस्लिम बैकड्रॉप जाने में टाइम जाएगा मैडम। हेलो हेलो। सुन, ये लास्ट टाइम वाली दंगा से लेकर रीसेंट दिल्ली राइड तक कितने साल हो गए तेरे को ये सब करते हुए? तूने ही ना बेंच पर बैठकर गांजा फूंकते मुस्लिम छोकरों के पिछवाड़े से फोटोशॉप की हेल्प से बेंच चढ़ाकर बाबा रामदास की समाधि डाल दी थी। तूने ही ना अपनी कलाकारी से जय श्री राम ना बोलने पर एक मुस्लिम छोकरे को हिंदुओं के हाथों से पिटवाते हुए दिखाया, जबकि वो फट्टा था क्रिकेट का। अरे वेटरन है तू इस काम का। तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि पीछे क्रोमा वाला कपड़ा लगा, फिर जो मर्जी आए लगा दे बैकड्रॉप में, मंदिर मस्जिद। सचमुच दिमाग से ऑफ हो गया हूँ, ये बंगाल के इलेक्शन ने ऐसा वर्कलोड बढ़ा दिया मैडम, ऐसा वर्कलोड बढ़ा दिया है। 3 घंटे मुश्किल से 3 घंटे सोने को मिलता है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, झूठ को सच बनाने वाले कलयुग की वीडियो बनाते रहो बस। वैसे मैडम ये सतयुग होता कैसा होगा? एक ऐसा युग जिसमें इंटरनेट और डेटा जैसी आग लगाने वाली चीजें नहीं होती होंगी। क्या बोल रहे होगा? बोल रहा है टेक्नोलॉजी ने सतयुग को कलयुग बना दिया। अबे इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत यही सब करके तूने 500cc की बाइक लिया, अभी तू तो बस टेक्नोलॉजी देव की जय बोल जय। बहुत हो गया हंसी ठट्टा, चल काम पर लग जा, फटाफट स्क्रिप्ट करके दे, मैं भेज रही हूँ तेरे को। ये ले, भेज दिया। हाँ आ गया मैडम। लौंडा पूरा कैरेक्टर में घुस गया था मैडम, बदलने बोलूंगा ना सुलग जाएगी इसकी। पर चलो
करता हूँ मैनेज। ओके बाय मैडम बाय। सुनो गलती से भी कुछ और करने के लिए बोल मत दियो बस यार प्लीज। छोटा सा स्क्रिप्ट है, सुर वही है आग लगाने वाला, बस रिलीजन अपोजिट है। जो जो वीडियो बना करके तू अपनी जेबें भरता है ना बेटा, इससे बड़े बड़े कांड हो जाते कांड है? और आज तो तूने हद ही कर दी, मैं ही अर्जुन और मैं ही असलम। छोटा सा स्क्रिप्ट है यार। अरे क्या घंटे का छोटा सा स्क्रिप्ट है यार, प्लीज कर देना होगा। तेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, गर्दन कटवाने का खेल है, गर्दन कटवाने का। तू तो कैमरे के पीछे रहता है, स्क्रीन पे मैं रहता हूँ, फटी मेरी रहती है। अबे किसी दिन ना ये तुम्हारे हिंदू मुस्लिम के खेल के चक्कर में मॉब लिंचिंग हो जाएगी मेरी। कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा रूप बदलूंगा ना तेरा कि मेरा बाप भी नहीं पहचान पाएगा, है ना? फिर भी नहीं करूंगा। हॉका प्लीज कर देना यार। नो भाई नहीं है मेरा भाई। अरे बक्स दो यार, हैं? किरदार है किरदार, कपड़े नहीं है जो बदल दे और हो गया। यार यार उनसे पेमेंट लेके पैसे भी खर्च कर दिए, प्लीज कर देना यार। डबल डबल मेहनत करवाता है, अभी चूतिया समझाए क्या? यार कैसी बात कर रहा है हॉका, कर देना यार। कर दूंगा, देगा डबल पेमेंट देगा। फंस गया हूं तो ब्लैकमेल करेगा भाई। तू ब्लैकमेल ही समझ ले, मैंने बोल दिया नहीं करूंगा ना तो बस नहीं करूंगा। चल चल भाई ले लियो। क्या मेरी तो ले लिया तूने, पैसे ही लेने रह गया ना, ले लियो भाई। अब तो मान जा। अस्सलाम वालेकुम, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मौजूद दोस्तों आओ अल्लाह के रास्ते पे चले, आओ बने वो कहर जो खुदा काफिरों पे नाजिल करता है, आओ बने वो शमशीर जो अल्लाह के नाफरमा बरदारों का सिर कलम करती है। तुम इस नेक मुहिम में मर भी गए तो तुम्हारे लिए बाबे जन्नत खुल जाएगी, हूरें तुम पर नाच करेंगी, 72 कोकाफ की परियां अपनी गोरी पिंडलियों का नुमाया करती, सीमो जर के धागों का झीना लिबास पहन रक्कासा बन तुम्हारे आगे नाचेंगी, तुम्हारे लबों का बोसा लेंगी, कभी ना पस्त होने वाली तुम्हारे अंदर मर्दाना ताकत होगी। तुम्हारी उस मर्दाना ताकत का जायका लेने के लिए ये परियां आपस में झगड़ा करेंगी, लड़ेंगी, फरिश्ते भी तुम्हारे कदमों की खाक का सुरमा बनाएंगे, रसूल का बरकत भरा हाथ तुम्हारे सर पर मुसलसल बना रहेगा, खुदाबंद करीम तुम्हें बगलगीर करके कहेंगे मरहबा मरहबा मरहबा। उठो दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल आया है, ये हाथ पे हाथ धरने का वक्त नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने का मकाम है, दीन के लिए खुद को कुर्बान कर अल्लाह के प्यारों में शुमार होने का मकाम है। बन जाओ चोलों से भरी बिजलियां, टूट पड़ो काफिरों पर, गजवाए हिंद की तारीख अब करीब है। नारायण तकबीर अल्लाहू अकबर, नारायण तकबीर अल्लाहू अकबर। बाय गॉड मेरी जान, क्या फाड़ू एक्टिंग की है। खाद भी तेरा के पानी कम है, कसम से बॉलीवुड चला गया ना तू, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। मैदान पे होना था गेंद और बल्ले का टकराव, लेकिन हो गया मजहबी टकराव, वीडियो हुआ वायरल, हैला दंगा, बिहार के कई इलाकों को दंगाइयों ने किया आग के हवाले। आग है ये लगाई किसने मन में, उग आया ये कांटा कैसा चमन में, दम जो घोटे बन के गले की फांसी, ये जो फैली जहर सी सब सियासी, सब सियासी, सब सियासी। परवाह टीवी सब्सक्राइब करके आप जागरूकता और सच्चाई को फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखते रहिए परवाह टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची। नमस्कार।